अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैन यू हेयर मी? इज माई वॉइस क्लियर टू यू? Assalamu alaikum dear students, can you hear me clearly? Is my voice clear to you? Let me know. Yes Maryam, can you hear me clearly? Assalamu alaikum students, can you hear me clearly? Do let me know. Wa alaikum salam ma'am ji, ma'am. Okay, let all the students join the class first, then we'll start our lecture. Okay. Okay ma'am. Today is lecture number 6, and in the previous lecture Vita, we were left with some of the slides there. As we were doing teamwork, okay, or in healthcare system, how every individual, how every healthcare worker is interacting and working as a team member, okay. So some of the slides were left here. First, we'll complete those slides and then we'll start the next topic. If you find any problem in the previous lecture, let me know. So beta, any student, first let me know, what do you mean by team? How would you define team work in healthcare system? मैम जिसमें हमारे पास ग्रुप होता है टू और मोर इंडिविजुअल का, उसको हम लोग टीम कहते हैं. यस, और जिसका कॉमन कोई गोल या मिशन हो और जिसको असाइन किया जाए कुछ स्पेसिफिक टास्क, और उसके अलावा कोई कंप्लीमेंट्री जिनके पास स्किल्स हो, उसको हम लोग कहते हैं कि वो टीम एज अ टीम वर्क कर रहे हैं. मॉडल्स इन हेल्थ केयर सिस्टम इन द प्रीवियस लेक्चर, नेम दोज मॉडल्स, उन मॉडल्स के मुझे नाम बताएं. मॉडल्स इन हेल्थ केयर, ओनली मोहम्मद अमाद इज देयर टू आंसर मी. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज बी अटेंटिव. रिमशा, अरुबा, मरियम, इकरा, बेटा बी अटेंटिव इन क्लास एंड आंसर माय क्वेश्चन. व्हाट वर द हेल्थ केयर, व्हाट वर द मॉडल्स इन हेल्थ केयर सिस्टम? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर देयर? अकॉर्डिंग टू टीम वर्क, हम कैसे हेल्थ केयर सिस्टम में टीम वर्क के अकॉर्डिंगली डिफरेंट मॉडल्स स्पेसिफाई करते हैं, और उन मॉडल्स के अकॉर्डिंगली हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम में काम करते हैं. ठीक है, तो जो हमारा सेटअप होगा वो मॉडल डिफाइन करेगा कि आइदर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम में कौन सा पैरेलल मॉडल पे हम काम कर रहे हैं. ठीक है, इंटर प्रोफेशनल मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल है. ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द सेटअप कि कौन से सेटअप में, कौन सा सेटअप हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल. ठीक है, उस मॉडल के अकॉर्डिंगली हेल्थ केयर सिस्टम में
उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी. सो बेटा जस्ट नेम मी दोज मॉडल्स. व्हाट वर दोज मॉडल्स? एनी स्टूडेंट? ओके मोहम्मद अमाद, यू टेल मी बच्चे. यस मैम. मैम इसमें हमारे पास एक आ जाता है इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर मॉडल आ जाता है. उसके अलावा हमारे पास पैरेलल मल्टीडिसिप्लिनरी केयर आ जाता है. कंसल्टेटिव मॉडल आ जाता है हमारे पास. और एक इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेटिव. वेरी गुड. तो एक्सीलेंट बेटा. ओनली मोहम्मद अमाद इज गिविंग मी आंसर्स टुडे. बट मेक श्योर बेटा आपकी अटेंडेंस की इंटरनल असेसमेंट नहीं होगी. आपकी इंटरनल असेसमेंट आपकी क्लास पार्टिसिपेशन की बेस पे होगी. मैं उन स्टूडेंट्स को मार्क्स दूंगी इंटरनल असेसमेंट में जो एक्टिवली क्लास में रिस्पॉन्ड करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे. इसलिए मैं आपकी अटेंडेंस के मार्क्स नहीं रख रही, लेकिन आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स में रखूंगी इंटरनल असेसमेंट में. सो इट्स अप टू यू, आपने रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना. इफ यू वॉन्ट योर गुड इंटरनल असेसमेंट देन आई एम श्योर यू विल बी कंसर्न फॉर योर इंटरनल असेसमेंट मार्क्स. ठीक है, इट्स अप टू यू. सो बेटा वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर टाइप्स ऑफ मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे कि हेल्थ केयर सिस्टम में जो सिस्टम या जो सेटअप आप रन कर रहे हैं उसके पीछे कौन सा मॉडल है, किस मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है. ठीक है, अगर आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स काम कर रही हैं तो उस मॉडल के अकॉर्डिंगली होंगी. ठीक है, अगर एक कंसल्टेंट है और वो ही ऑन कर रहा है उस पेशेंट को तो वो दूसरा मॉडल होगा. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल आपकी हेल्थ केयर सिस्टम के उन मॉडल्स की इम्प्लीमेंटेशन होगी और वो सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने हेल्थ केयर सिस्टम में. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया था कि एक टीम बनती कैसे है. ठीक है, उसके पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे. देन वी हैव डिस्कस्ड कि एक इफेक्टिव टीम जो होती है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. ओके, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड कि एक लीडरशिप के लिए, इफेक्टिव लीडरशिप के लिए, इफेक्टिव टीम वर्क के लिए लीडरशिप का क्या रोल है और एक इफेक्टिव लीडरशिप कैसे बन सकती है, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम एक इफेक्टिव लीडरशिप रन कर सकते हैं. ठीक है, इन लीडरशिप इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्थ केयर सिस्टम. ठीक है, आपकी जो लीडरशिप है वो मॉनिटर कर रही होगी आपको कॉन्स्टेंटली, वो फीडबैक ले रही होगी आपके हेल्थ केयर सिस्टम में जो काम हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली. मैनेजमेंट ओवरलोड को वो जो है वो मॉनिटर कर रही होगी तो ही आपका हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो स्मूथली रन करेगा. ठीक है, अगर लीडरशिप इफेक्टिव और एक्टिव नहीं होगी तो आपके हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो भी एक्टिव नहीं होंगे और आपके जो हेल्थ केयर सिस्टम में एडवर्स इवेंट्स के चांसेस है बच्चे वो भी इंक्रीज कर जाएंगे. ठीक है, सो लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रनिंग हेल्थ केयर सिस्टम. द सेकेंड पॉइंट बेटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रनिंग एन इफेक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम और दूसरा कि जो आपके ये जो एडवर्स इवेंट्स और कॉम्प्लिकेशन के इवेंट्स को कम कर सकता है वो पॉइंट है बेटा कम्युनिकेशन. ठीक है, मैंने आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई एम डिस्कसिंग कि जब एक पेशेंट आपके पास हेल्थ केयर सिस्टम में आता है तो एक कम्युनिकेशन एक वो मीन्स है जिसके थ्रू आप अपनी कॉम्प्लिकेशंस और पेशेंट्स के साइड इफेक्ट्स और पेशेंट के एडवर्स इवेंट्स को कम से कम कर सकते हैं. ठीक है, और कम्युनिकेशन के लिए आपने वे ऑफ कम्युनिकेशन या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा रखना है जो पेशेंट के लिए फिजिबल हो. ठीक है, जो पेशेंट के लिए एडजस्टेबल हो, जो पेशेंट के लिए फिजिबल हो, जिसको पेशेंट ईजिली अंडरस्टैंड कर सके. ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनी इंप्रेशन एज अ हेल्थ केयर वर्कर. आपने इंप्रेशन ही देना कोई अपना, आपने वहां पे अपनी रेपुटेशन को जो है वो कंसर्न नहीं बनाना. आपका मेन कंसर्न वहां पे ये होना चाहिए कि मैं उस वे में कम्युनिकेट करूं अपने पेशेंट के साथ जो मेरे पेशेंट के लिए यूजफुल हो. ठीक है, जो मेरे पेशेंट के लिए फिजिबल हो, जिससे मेरा पेशेंट अंडरस्टैंड कर सके. आप वहाँ पे लाख आपने अच्छे से पढ़ा हो या आपकी बैकग्राउंड नॉलेज बहुत अच्छी हो, बहुत मैसिव हो, वो आपका यूजफुल नहीं होगा तब तक जब तक आप जो कर रहे हैं पेशेंट के साथ, आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं और जो अपनी इंफॉर्मेशन पेशेंट को देना चाह रही हैं जब तक कि वो आप पेशेंट को कन्वे ना कर लें और मेक श्योर ना कर लें कि जो पेशेंट ने आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने पेशेंट को दी है आइदर उसने अंडरस्टैंड किया या नहीं किया. बेटा म्यूट योरसेल्फ, यू जस्ट नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ व्हेन यू नीड टू आंसर एनी क्वेश्चन. ठीक है, अदरवाइज म्यूट योरसेल्फ. सो बेटा नंबर ऑफ टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड टू प्रमोट कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर. क्योंकि कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हेल्थ केयर सिस्टम में तो नंबर ऑफ टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड.
टू प्रमोट कम्युनिकेशन. किस तरह हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं? बेटा ओनली ज्वाइनिंग द क्लास इज नॉट योर पर्पस हियर. ओके, बी अटेंटिव इन क्लास. मेक श्योर कि आप खुद भी लेक्चर को जो है वो रिस्पॉन्ड करें और लेक्चर को सीरियसली लें और बाकी स्टूडेंट्स को भी लेने दें. जस्ट ज्वाइनिंग द क्लास मीटिंग एंड डूइंग एनीथिंग एल्स इज नॉट योर जॉब. ठीक है, बी अ रिस्पॉन्सिबल एंड मेच्योर स्टूडेंट. सो बेटा नंबर ऑफ टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन को प्रमोट कर सकते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में. These techniques are very important and you people need to bother के इन techniques को हम कैसे जो है वो implement कर सकते हैं as a healthcare student. अभी आप healthcare worker तो नहीं है लेकिन as a student तो आप healthcare principles को implement कर सकते हैं ना. So first one is SBAR. बेटा S for situation, B for background, A for assessment and R for recommendation. What does it mean बेटा? आपने अगर आपके पास कोई एडवर्स इवेंट अकर हुआ है या आपका पेशेंट आपके साथ किसी कंप्लेंट के साथ आया है, ठीक है, बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर आप उसको कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो इन स्टेप्स पे बेस करते हैं. ठीक है, पहले आप देखिए कि सिचुएशन क्या है. ठीक है, आपको सिचुएशन पता चली कि ये इवेंट हुआ है. ठीक है, आपको वो करंट सिचुएशन पता चल गई. अब जब आपको सिचुएशन पता चल गई तो आपने उससे डायरेक्ट जो है वो एनालिसिस नहीं कर लेना, डायरेक्ट आपने एक डिसीजन नहीं बना लेना कि ये प्रॉब्लम ये इवेंट हुआ है तो इसमें ये इन्वॉल्व है. नो, आपने सिचुएशन देखी, अब आपने बैकग्राउंड की तरफ जाना बेटा. आपने करंट सिचुएशन देख ली, नाउ यू विल गो टू द पास्ट. आपने बैकग्राउंड देखने कि ये जो एडवर्स इवेंट हुआ है इसका पीछे बैकग्राउंड क्या है. ठीक है, हाउ इट हैपेंड. ठीक है, व्हाट हैपेंड, ये सिचुएशन में आ गया कि क्या हुआ. ठीक है, देन यू आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स हाउ इट हैपेंड. फिर आप उसके बैकग्राउंड में जाएंगे और देखेंगे कैसे हुआ. ठीक है, आपने बैकग्राउंड देख लिया, फिर आप असेस करेंगे. बैकग्राउंड देख के आपने सिर्फ बात सुन के ये रिजल्ट नहीं बना लेना या ये डिसीजन नहीं बना लेना कि दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवेंट. ठीक है, या दिस इज द कॉज ऑफ द इवेंट. ये सब चीजें आप विदाउट असेसमेंट नहीं बना सकते. वंस यू गेट टू नो द सिचुएशन एंड बैकग्राउंड, नाउ यू आर गोइंग टू असेस द सिचुएशन. आप खुद से पर्सनली असेस करें. ठीक है, इन्वेस्टिगेट करें कि आइदर प्रॉब्लम कहाँ पे थी, आइदर कॉज क्या था. ठीक है, और जब आप सिचुएशन भी देख लें, बैकग्राउंड भी देख लें, खुद से भी असेस कर लें, फिर आप रिकमेंड करें दैट देयर वॉज द प्रॉब्लम एंड हाउ वी कैन रिमूव दैट प्रॉब्लम. ठीक है, हाउ वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ठीक है, फिर आप रिकमेंडेशन दें कि अगर हम ऐसे कर लेते तो ये इवेंट नहीं होता. तो बेटा एक सिचुएशन को कम्युनिकेट करने का या एक सिचुएशन को फेस करने का बेहतरीन तरीका कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, SBAR के थ्रू. ठीक है, सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट एंड देन रिकमेंडेशन. ओके, अगर आप एक ही स्टेप को मिस करके जो है वो कंक्लूजन या रिकमेंडेशन की तरफ आ जाएंगे तो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन अफेक्टिव नहीं होगा. ठीक है, अगर आप सिस्टमेटिकली सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और फिर रिकमेंडेशन और डिसीजन की तरफ आएंगे तो ही आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, अफेक्टिव. इज एवरीथिंग क्लियर? यस मैम. यस मैम. ओके, सो बेटा द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल आउट. ठीक है, अगर आपसे कोई एज अ हेल्थ केयर वर्कर आपने कोई एडवर्स इवेंट फेस किया है या आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है, या आपने देखा है कि पेशेंट ने कोई कॉम्प्लिकेशन पेशेंट ने जो है वो फेस कर रहा है पेशेंट. ठीक है, बीइंग एन इफेक्टिव हेल्थ केयर वर्कर आपने उसको कैसे कम्युनिकेट करना है, यू विल कॉल आउट फॉर हेल्प. आपने अपनी रेपुटेशन और अपनी जो है वो स्किल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करने शुरू कर देना वहां पे, या अपने व्यू को क्लियर रखने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बेहतरीन रखने के लिए वहां पे उस मामले को दबाना नहीं है. यू विल कॉल आउट फॉर हेल्प. अगर वहां पे आपको हेल्प की जरूरत है और यू आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू काउंटर दैट प्रॉब्लम तो आपने क्या करना है, यू विल कॉल आउट फॉर हेल्प. ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे कि आप अगर कोई एडवर्स इवेंट या कॉम्प्लिकेशन देखें और आपको लगे कि ये आपसे हैंडल नहीं हो सकती बीइंग एन हेल्थ केयर वर्कर तो यू आर गोइंग टू कॉल आउट फॉर हेल्प. ठीक है, आप अपने दूसरे टीम मेंबर्स को कॉल आउट करें फॉर हेल्प
आप एक्सपीरियंस्ड और सीनियर हेल्थ केयर वर्कर्स को कॉल आउट करें, बिकॉज पेशेंट्स लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, पेशेंट की लाइफ ज्यादा जरूरी है, और जितना जल्दी आप किसी इवेंट को, किसी कॉम्प्लिकेशन को पकड़ेंगे, उतने जल्दी उसके उतने ज्यादा आप उसकी जो स्वेयर कॉम्प्लिकेशन है या स्वेयर एडवर्स इवेंट्स हैं उससे बच सकते हैं. ठीक है, सो द सेकेंड इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन इज यू आर गोइंग टू कॉल आउट फॉर हेल्प इफ यू सी एनी एडवर्स इवेंट और एनी कॉम्प्लिकेशन in the treatment or management of the patient. ठीक है, so SPR is the first way, call out is the second way. Third one is beta check back. अगर कोई event ऐसा होता है या कोई complication ऐसी होती है जो आपको लगता है कि किसी वजह से कोई पीछे reason है, कोई cause है, तो बेटा what you are going to do for an effective response, you are going to check back. आपने दोबारा check back करना है, अपने पूरे procedure को देखना है कि either shortcoming कहाँ पे थी. ठीक है, एंड हैंड ओवर इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम. अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो आपके लेवल पे जो है वो डील नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम को, तो बेटा आपने हैंड ओवर कर देना है टू ए सीनियर हेल्थ केयर वर्कर या फिर जो कंसर्न्ड हेल्थ केयर वर्कर है जिसके अंडर ये काम आता है, आपने उसको हैंड ओवर कर देनी है ये सिचुएशन. ठीक है, सो बेटा ये टेक्निक्स हैं कम्युनिकेशन की कि अगर आप जब भी एड्रेस करें किसी एडवर्स इवेंट को, किसी कॉम्प्लिकेशन को, तो फॉर बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट, ठीक है, फॉर बेटरमेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, आपको ये स्टेप फॉलो करने चाहिए. सो दिस इज द इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन की जिसके थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में एफिशिएंट रिजल्ट्स को. ठीक है, इस तरह आप जो एडवर्स इवेंट्स के इंसिडेंट्स हैं या प्रेवलेंस है उसको कम कर सकती है. ठीक है, सो SPR इज वन टेक्निक, कॉल आउट इज द सेकंड वन, देन चेक बैक एंड देन हैंड ओवर. मैम चेक बैक एक दफा समझा दें फिर से. चेक बैक बेटा मींस कि आप पूरे इवेंट को उसके बैकग्राउंड में जाएं और शुरू से देखें, एनालाइज करें कि आइदर रूट कॉज कहाँ थी. ठीक है, आइदर रिस्क फैक्टर कहाँ पे था. ठीक है, उस सारे प्रोसीजर और उस टेक्निक को चेक बैक करें और एनालाइज करें कि वेयर वॉज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कि रूट कॉज कहाँ थी. ठीक है, सो दिस मीन्स चेक बैक. इज इट क्लियर? टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन इज क्लियर टू यू? यस मैम. ओके, देन बेटा द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हियर इज हाउ यू कैन रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट. अब बेटा एज यू आर वर्किंग इन अ हेल्थ केयर सिस्टम एज अ हेल्थ केयर टीम, ठीक है, ये टीम वर्क है, डिफरेंट हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे हैं इस टीम में. ठीक है, हर हेल्थ केयर वर्कर अपने लेवल पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं. तो बेटा अगर एक एज अ टीम आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, जहाँ ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं वहां पे बेटा डिसएग्रीमेंट्स भी आती हैं, कंफ्लिक्ट्स भी आती हैं. ठीक है, और एक दूसरे के साथ क्लैशेस भी आती हैं ओपिनियंस के. ठीक है, सो आप इन डिसएग्रीमेंट्स, इन कंफ्लिक्ट को या इन क्लैशेस को रिजॉल्व कैसे करेंगे हेल्थ केयर टीम में? ठीक है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, हम उन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे. पहले हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं. ठीक है, अब हम वो स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि जिसके थ्रू हम डिसएग्रीमेंट्स, क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप हियर इज बेटा टू चैलेंज रूल. नाउ व्हाट इज दिस टू चैलेंज रूल बेटा? टू चैलेंज रूल में जस्ट इमेजिन कि आप एक हेल्थ केयर वर्कर हैं. ठीक है, आप अपने किसी कुलीग को, ठीक है, आप असेस करना चाह रहे हैं उसको, तो आप उसको अगर टू कंसेक्यूटिव चैलेंजेस दे देती हैं या अपने सामने आप उसे कहती हैं कि पहले ये टास्क परफॉर्म करो, अच्छा अब ये टास्क परफॉर्म करो. ठीक है, और आप ऑब्जर्व करती हैं कि वो दूसरा जो आपका कुलीग था या जो हेल्थ केयर वर्कर था वो अपनी ड्यूटी या अपना टास्क वैसे परफॉर्म नहीं कर सका. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टू चैलेंज रूल. ठीक है, और आप एज अ हेल्थ केयर वर्कर क्या करती हैं कि जो ड्यूटी या जो टास्क आपने देखा कि उससे नहीं परफॉर्म हो सके क्योंकि आपने कंसेक्यूटिव चैलेंजेस उसे दिए, कंसेक्यूटिव टास्क उसको दिए, एक के बाद एक काम करने को कहा और आपने फील किया कि ये ऐसा टास्क था, ये वो आपका कुलीग परफॉर्म नहीं कर सका. ठीक है, सो बीइंग एन हेल्थ केयर वर्कर, बीइंग अ कुलीग, आप वो ड्यूटीज परफॉर्म करें. So this we call two challenge rule. Two challenge rule, बेटा इसको नाम क्यों दिया गया है कि आप दो consecutive challenges उस colleague को या उस healthcare worker को या अपने crew member को दे देती हैं. ठीक है, और आप देखते हैं कि either वो अपनी duties
परफॉर्म कर पा रहा है ठीक है या ही इज जस्ट ट्राइंग बट फेल टू रिस्पॉन्ड ठीक है ट्राई वो कर रहे हैं लेकिन ही फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू टू कंसेक्यूटिव चार्जेस चैलेंजेस के तो जो आपने दोनों एक साथ करने के लिए उसको चैलेंजेस दिए थे टास्क दिए थे वो उनको परफॉर्म करने में कोशिश कर रहे हैं बट ही फेल्स टू रिस्पॉन्ड तो अब आप क्या करेंगे यू एज बीइंग अ कोलीग बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर आप उन ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे सो बेटा इसको हम कहते हैं टू चैलेंज रूल सो दिस इज द वे जिसके थ्रू आप कंफ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट को अवॉइड कर सकते हैं ओके द नेक्स्ट स्टेप बेटा हियर इज सीयूएस एंड द थर्ड वन इज डेस्क स्क्रिप्ट व्हाट इज सीयूएस एंड व्हाट इज डेस्क स्क्रिप्ट आई विल शो यू हियर सो बेटा सीयूएस कर्स इट इज अ टेक्निक टू रिजॉल्व कंफ्लिक्ट पहली टेक्निक तो आपने देख ली टू चैलेंज रूल था ठीक है नेक्स्ट टेक्निक इज CUS, C stands for concerned, I am concerned, ठीक है U for I am uncomfortable, and S for unsafe, I do not think the current situation is safe. तो बेटा ये आपने इस तरह याद रखना है कि एक आपका कुलीग है या हेल्थ केयर वर्कर है जो ये तीनों पॉइंट्स फेस कर रहा है that he is saying you कि मैं I am concerned because I am uncomfortable and I think the current situation is not safe here. ठीक है वो कोई ड्यूटी या कोई टास्क अपना परफॉर्म कर रहा है लेकिन वो आपको ये सिग्नल दे रहा है कि मैं कंसर्न हूँ क्योंकि सिचुएशन जो है वो अनसेफ है और मैं अनकंफर्टेबल हूँ मैं ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहा ठीक है सो दैट हेल्थ केयर वर्कर या वो जो टीम मेंबर है आपका जो आपका कुलीग है वो आपको एक सिग्नल दे रहे ठीक है एक रेड लाइट सिग्नल जैसे होते हैं वो आपको सिग्नल दे रहे दैट आई एम इन अनसेफ सिचुएशन एंड आई एम अनकंफर्टेबल आई कैन नॉट परफॉर्म द टास्क एंड आई एम कंसर्न्ड हियर ठीक है सो अगर बेटा आप उसको सुनेंगे नहीं और एक्ट नहीं करेंगे उसके अकॉर्डिंगली उसकी सिचुएशन में उसको हेल्प आउट नहीं करेंगे इग्नोर कर देंगे उसके सिग्नल को ठीक है सो इट इज डिसरप्टिव बिहेवियर तो आप क्या कर रहे हैं आप अपने हेल्थ केयर सिस्टम के जो आउटकम्स हैं उनको खुद खराब कर रही है ठीक है तो ये आपका बीइंग एन ऑपोजिट हेल्थ केयर वर्कर ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है आपका इमेच्योर बिहेवियर है ये आपका ठीक है तो इस तरह आप कंफ्लिक्ट को इंक्रीज कर रही है ठीक है डिसएग्रीमेंट और कंफ्लिक्ट्स को इंक्रीज कर रही है अगर एक हेल्थ केयर वर्कर क्या होना चाहिए कि अगर आप एक टीम के तौर पर काम कर रही है और अगर आपको एक हेल्थ केयर वर्कर ये रिस्पॉन्स देता है कि I am concerned because I am uncomfortable. The situation is unsafe here and I am not able enough to perform the task here to control the situation here. So, beta, as a colleague, as a healthcare worker, you should stop and listen to the team member. आपको उसकी बात को सुनना चाहिए, ठीक है? और उसको help out करना चाहिए उस situation से निकलने के लिए. ठीक है अगर आप अपनी ड्यूटीज में लगे रहते हैं और उसकी जो है वो सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं तो आप खुद से वहां पे डिसरप्टिव बिहेवियर क्रिएट कर रहे हैं आप खुद से वहां पे कंफ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना सिर्फ आप उस फिर वहां पे उस वक्त कंफ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं आप पेशेंट की लाइफ को भी एट रिस्क डाल रहे हैं ठीक है पेशेंट की फैमिली को भी एट रिस्क डाल रहे हैं और हेल्थ केयर सिस्टम को भी के आउटकम्स और रिजल्ट्स को भी खराब कर रहे हैं सो कर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंट के जहाँ पेशेंट को आपको लग रहा है कि आपका कुलीग जो है वो कंसर्न है अपनी सिचुएशन के साथ अपनी अनसेफ सिचुएशन के साथ और वो अनकंफर्टेबल है यू शुड गो आउट फॉर हेल्प ठीक है और अगर वो आपको कॉल आउट भी कर रहे हैं फॉर हेल्प एंड यू आर जस्ट इग्नोरिंग इट सो इट लीड्स टूवर्ड्स कंफ्लिक्ट तो हम इस तरह इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं कि हम उसके रेड सिग्नल को रिस्पॉन्ड करें और उसकी हेल्प करें ठीक है सो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक हियर नेक्स्ट वन इज बेटा डेस्क डी फॉर डिस्क्राइब ई फॉर एक्सप्रेस एस फॉर स्पेसिफाई एंड सी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस ठीक है बेटा ये टर्म्स खुद ही बता रही हैं कि इसका क्या मतलब है ठीक है डिस्क्राइब मतलब कि अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है तो आप सिचुएशन को अच्छे से डिस्क्राइब करें ठीक है कि कैसे हुआ ऑब्जेक्टिवली और व्हाट इज ऑब्जेक्टिवली मीन ऑब्जेक्टिवली मीन्स कि आप जो सब्जेक्ट आपका पेशेंट है या जिससे आप मुखातिब हैं ठीक है उस वक्त वो आपका सब्जेक्ट है और आप जो आप ऑब्जेक्ट हैं इस वक्त ठीक है तो आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपकी आपकी सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली होगी ठीक है आप जो फीलिंग्स हैं आपकी अबाउट दैट सिचुएशन उनको एक्सप्रेस करें ठीक है स्पेसिफाई करें
the action you think should be taken, आप क्या response लेना चाह रही हैं या वहाँ पे क्या action लेना चाह रही हैं, क्या आपको लगता है what you think कि ये action लिया जाए तो इस situation को हम resolve कर सकते हैं, ठीक है? और फिर consequences भी आप discuss करें कि अगर हम ये action लेते हैं इस situation को solve करने के लिए तो इसके ये positive outcomes हो सकते हैं, ये इसके negative outcomes हो सकते हैं, ठीक है? So how you should interact or address an issue, address an adverse event, कि कोई भी event हुए तो आप उसको अच्छे से describe करें, ठीक है? अपनी feelings express करें, फिर specify करें कि अब इस situation में क्या action आपको लेना चाहिए, ठीक है? और साथ ये भी बताएं कि अगर हम ये action लेंगे तो ये इसके positive side है, ये इसकी negative side है, ये हमें positive outcomes मिल सकते हैं, ये हमें negative outcomes भी मिल सकते हैं, ठीक है? और कैसे हमने इन negative outcomes को avoid कैसे कर सकते हैं? So बेटा, this is the best way how you should resolve the conflict. इस तरह अगर आप इस systematically procedure के through चलेंगे तो obviously आप conflicts को avoid करेंगे, ठीक है? अगर आप सही से describe नहीं कर रहे अपना event कि ये हो गया है, ठीक है? आप specify नहीं कर रहे कि क्या action लेना चाहिए यहाँ पे, ना आप consequences को detail में address कर रही हैं, तो बेटा next बंदे को, next healthcare worker को या एक patient को कैसे पता चलेगा कि क्या event हुआ है, ठीक है? और इसकी details क्या हैं, ठीक है? जब आप किसी को अच्छे से communicate करते हैं, अच्छे से बताते हैं, तो ही उसको मसले का पता चलता है, और वही फिर वही जब आप मसला बताते हैं, फिर वो concern होते हैं कि अब इस मसले को कैसे हल किया जाए, ठीक है? और ये अगर हम इस steps को, इन steps को follow करते हैं और इस systematic approach के through चलते हैं, तो हम बहुत सारी conflicts को, बहुत सारे disagreements को और बहुत सारे adverse events को avoid कर सकते हैं, okay? So बेटा ये तीन steps हैं जो आप follow कर सकते हैं to avoid the adverse events. एक two challenge rule है, एक curse है और एक desk है, ठीक है बेटा? तो इन procedures को, इन steps को अगर आप follow करें as a healthcare worker, as a medical student, तो आप conflicts को, disagreements को अपनी team में avoid कर सकते हैं और अपनी healthcare system को efficient बना सकते हैं, ठीक है बेटा? Any problem till here? No ma'am. Is everything clear to you? Yes ma'am. Yes, ma'am. Rest of the students do participate in the class. Yep, respond to me. आपकी जो class participation है उसके marks से internal assessment में आपकी attendance matter नहीं करती, लेकिन आपकी class participation matter करती है, ठीक है? मैं class में जो student attentive होते हैं मैं उसके names note करती हूँ और बेटा मैं उन्हीं की internal assessment भेजूँगी, ठीक है? Yes ma'am. Okay ma'am. So, बेटा अभी हमने डिस्कस किया कि एक इफेक्टिव टीम के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है? कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीम वर्क में? अब हम देखते हैं बेटा बैरियर्स या आपके डिफिकल्टीज या हर्डल्स, ये कौन कौन सी हमें फेस करना पड़ती हैं टीम वर्क में, ठीक है? आप अपनी लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी फील करते हैं कि जब आप एज अ टीम काम कर रहे होते हैं तो कुछ हर्डल्स होती हैं, कुछ बैरियर्स होती हैं, कुछ डिफिकल्टीज आती हैं आपको, ठीक है? फिर आप उन बैरियर्स को या उन डिफिकल्टीज को एड्रेस करते हैं, ठीक है? जितना आप अच्छे से उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं उतना आपका जो एज अ टीम जो है वो काम अच्छा होता है, ठीक है? अगर आप उनको एड्रेस सही से नहीं करते, आप बोलते हैं तो बेटा फर्स्ट बैरियर इन टीम वर्क इज चेंजिंग रोल्स, ठीक है? रोल्स चेंज होते हैं। एज अ हेल्थ केयर वर्कर आपको एक टीम में एक बंदे को एक काम असाइन किया गया, ठीक है? कुछ अर्से बाद उसको दूसरा काम दे दिया, ठीक है? और वो वाला रोल उससे लेके किसी और हेल्थ केयर वर्कर को दे दिया, ठीक है? सो विद द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपकी रोल्स और आपकी ड्यूटीज चेंज होती हैं तो ये एक हर्डल या बैरियर बन जाता है आपके टीम वर्क में, ठीक है? आपको एक काम दिया गया है, आपके टीम मेंबर को कोई और काम दिया गया है, ठीक है? पर आपको ये लगता है कि जो ड्यूटीज या जो वर्क असाइन किया गया है मेरे कुलीग को वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है? तो जब आप इन चीजों में पड़ जाएं तो इट मींस कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर ड्यूटीज, ठीक है? यू आर नॉट सिंसियर विद योर वर्क, यू आर नॉट पैशनेट विद योर वर्क, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे आके फिर प्रॉब्लम आती है और फिर आप उस तरह अपने काम में 100% नहीं दे पाते, ठीक है? So changing roles is one of the problem here, ठीक है?
ठीक है, मेडिकल हायरार्की बेटा व्हाट डज इट मीन, इट मींस के आपने ग्रुपिंग कर दी, आपने रैंकिंग कर दी मैनेजमेंट ने, ठीक है, एक बंदे को आपने वो उस लेवल पे बिठा दिया कि सारे डिसीजंस उसने लेने हैं, ठीक है, और एक बेचारा सिंपल फिजिशियन था वो बेचारा इंटरेक्ट कर रहा है पेशेंट्स के साथ, तो बेटा डिसीजन जो वो ऊपर बैठा बना रहा है वो तो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा पेशेंट्स के साथ, ठीक है, जो पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे उसको तो आप इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, तो फिर वो कैसे पेशेंट के प्रॉब्लम्स को हल करेगा और पेशेंट के लिए बेहतरीन डिसीजन बनाएगा, ठीक है, तो जो हायर अथॉरिटीज हैं उनमें उन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए बेटा, रैंकिंग में उन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए हायर रैंकिंग में जो एटलीस्ट पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो पेशेंट के साथ, जो पेशेंट की फैमिलीज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिनको पता है कि ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं पेशेंट, ये प्रॉब्लम उनकी फैमिली फेस कर रही है, तो हमें इसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस बनाने चाहिए अपने मैनेजमेंट में, तो बेटा दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, तो ये एक हर्डल है टीम वर्क में कि आप रैंकिंग बना कर दें, जब एक बंदे को ऊपर बैठा दें जो डिसीजन कर रहे हैं उसको सारी अथॉरिटीज दे दी आपने, ठीक है, लेकिन वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा लो लेवल पे आपके लोगों के साथ, ठीक है, और एक सिंपल फिजिशियन वो बेचारा इंटरेक्ट कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ, डील कर रहे सुबह से शाम तक, लेकिन उसको कोई ऐसा रैंक और ऐसा कोई रोल ही नहीं दिया गया कि वो कुछ बेहतरी की तरफ पेशेंट्स के कोई काम कर सके, ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द बैरियर टू टीम वर्क. थर्ड पॉइंट इज बेटा इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, कि हर बंदा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो डिसीजंस बना रहा है, ठीक है, मैनेज कर रहा है पेशेंट को कि ये मेडिसिन का ये मैंने एक्सपीरियंस की थी नेचर, ठीक है, ये रिजल्ट्स मैंने एक्सपीरियंस किए थे तो ये बेहतरीन है पेशेंट के लिए, ठीक है, या ये मेडिसिन जिसके रिजल्ट्स पर्सनली मैंने फील किए थे और ये बहुत बुरे रिजल्ट्स थे इसके, तो आप उसको पेशेंट को वो मेडिसिन से अवॉइड करवाएं वो मेडिसिन, ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअलिस्टिक नेचर है कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे जो डिसीजंस बना रही हैं, ठीक है, और प्रोसीजर्स डिसाइन कर रही हैं या मैनेजमेंट डिफाइन कर रही हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस पे इंडिविजुअली, ये बेटा एक बैरियर है टू टीम वर्क. टीम वर्क का क्या मतलब है कि सारे मेंबर्स के साथ आप ब्रीफिंग करें, ठीक है, उनकी सजेशंस लें, हर हेल्थ केयर वर्कर जो जिस भी लेवल का है वो अपना एक्सपीरियंस बताए, ठीक है, और सबके एक्सपीरियंसेस, सबके सजेशंस लें कि आप एक डिसीजन और मैनेजमेंट की तरफ जो है वो चेंजेस करें, ठीक है, और बेटा लास्ट पॉइंट हियर इज इंस्टेबिलिटी नेचर ऑफ टीम्स. तो बेटा इस तरह जो टीम में जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी और टीम इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, ठीक है बेटा, तो जो टीम वर्क के जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो ऑब्वियसली अफेक्ट होंगे इन पॉइंट से, ठीक है, इन फैक्टर से. ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम हियर मैम? फर्स्ट पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दें काइंडली. फर्स्ट पॉइंट बेटा चेंजिंग रोल्स. यस मैम. मीन के बेटा जो ड्यूटीज या जो रोल्स असाइन किए जा रहे हैं एक हेल्थ केयर वर्कर को, ठीक है, और अगर उसकी इंडिविजुअल लाइक्स और डिसलाइक्स की बेसिस पे आप वो ड्यूटीज जो है वो कहते हैं कि मेरे लिए ये ड्यूटीज ठीक नहीं है, ठीक है, या मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, तो आप ये ड्यूटीज आप किसी और को दे देते हैं, ठीक है, और जो ड्यूटीज या फिर ऐसे टीम मेंबर्स हैं आपके जिनको जो ड्यूटीज असाइन की गई हैं, आप ये सोच रहे हैं कि वो ड्यूटीज या वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ज्यादा बेहतर हैं और जो मुझे असाइन की गई हैं मेरे रोल्स जो हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है या इतने अफेक्टिव नहीं है, तो फिर बेटा जब आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं तो आप उनके उसके साथ सिंसियर नहीं होते, ठीक है, आप पैशनेट नहीं होते, आप अपना 100% नहीं दे पाते, तो फिर आपको जो रिजल्ट हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलते, ठीक है, तो ये एज अ होल आपके टीम वर्क को अफेक्ट करता है. ओके ओके मैम. क्लियर? ओके मैम. यस मैम. सो बेटा इंसिडेंट्स इन अदर इंडस्ट्रीज, अब बेटा दूसरी इंडस्ट्रीज में कौन से ऐसे टीम वर्क में फेलियर्स आते हैं, ठीक है, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिन्हें हम डिफाइन करते हैं कि ये फेलियर्स हैं इस टीम वर्क में, ठीक है, सो बेटा रोल्स नॉट बीइंग क्लियरली डिफाइंड, कि जिसका जो रोल है या जिसने जो ड्यूटी परफॉर्म करनी है आपने उसे क्लियरली डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है, कि ये उस बंदे का, ये उस हेल्थ केयर वर्कर का रोल है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था चेंजिंग रोल्स, ठीक है, तो जिसकी जो ड्यूटीज हैं, जिसके जो रोल्स हैं, अगर आपने उसको क्लियरली डिफाइन ही नहीं किए तो वो कैसे उस पर काम करेगा और परफॉर्म करेगा अपनी ड्यूटीज को, ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द फेलियर रीजन.
ठीक है. सेकंड पॉइंट इज बेटा लैक ऑफ एक्सप्लिसिट कोऑर्डिनेशन. ठीक है कि आप जो काम कर रही हैं या जो ड्यूटीज परफॉर्म कर रही हैं उसमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं है. ठीक है आप मिलके यूनिटी के साथ अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे. ठीक है आप कोऑर्डिनेशन के साथ अपना काम परफॉर्म ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे तो कोऑर्डिनेशन ना होना इज वन ऑफ द मेन रीजन कि आप बेहतरीन आउटकम्स की तरफ नहीं जा सकते विदाउट कोऑर्डिनेशन. ठीक है टीम में कोऑर्डिनेशन का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है थर्ड पॉइंट हियर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज मिसकम्युनिकेशन. ठीक है कि कम्युनिकेशन गैप है. ठीक है आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे आइदर विद हेल्थ केयर वर्कर और योर कोलीग आइदर विद द पेशेंट और देयर फैमिलीज. ठीक है कम्युनिकेशन गैप इज देयर. ओके सो बेटा दीज आर द पॉइंट्स विच लीड टू फेलियर्स इन द टीम वर्क और टीम हेल्थ केयर सिस्टम. ठीक है किसी भी सिस्टम में किसी भी हेल्थ केयर टीम में फेलियर्स की कॉजेस या फेलियर के रीजंस ये तीन हो सकते हैं. ओके नॉट ओनली इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री बेटा किसी और इंडस्ट्री में भी फेलियर के रीजंस ये तीन ही होते हैं जब ऐसा आप टीम काम कर रहे होते हैं. ठीक है असेसिंग टीम परफॉर्मेंस. आप टीम परफॉर्मेंस को असेस कैसे करते हैं बेटा आप वर्क प्लेस में. ठीक है आइदर वर्क प्लेस में आप देखें कि परफॉर्मेंस क्या है एज अ टीम आपकी. सिमुलेटेड एनवायरमेंट जो फिजिकली आप जो सिस्टम में काम कर रहे हैं जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है फिजिकली आप वहां पे ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं काम कर रहे हैं वहां पे टीम की परफॉर्मेंस को असेस करें. ठीक है थ्रू ऑब्जर्विंग टीम वर्क एक्सरसाइजेस जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी ड्यूटीज हैं आप उनको ऑब्जर्व करें कि आइदर आप अपनी टीम वर्क एक्सरसाइजेस और ड्यूटीज जो है वो इंडिविजुअली सही परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. ठीक है सो बेटा इन पॉइंट्स के थ्रू आप असेस कर सकते हैं कि आपकी टीम की क्या परफॉर्मेंस है. सो कौन असेस करता है कौन ऑब्जर्व करता है आपकी ड्यूटीज को आपके कामों को बेटा एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स करते हैं या पीयर ऑब्जर्वेशन. पीयर ऑब्जर्वेशन मींस कि जो आपके ऊपर लोग बैठे हैं जो हाई अथॉरिटीज बैठी हैं जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं. ठीक है उनकी ऑब्जर्वेशन वो आपको ऑब्जर्व कर रही है वो आपको असेस कर रही है. ठीक है सो इस तरह हम असेस करते हैं टीम परफॉर्मेंस को. सो बेटा समरी ऑफ दिस लेक्चर वॉज कि टीम वर्क डजंट जस्ट हैपन. टीम वर्क बस ये नहीं है कि आपने एज अ इंडिविजुअल अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी एंड दैट्स ऑल. नो आपने अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म किया कोऑर्डिनेट किया एक दूसरे के साथ जहाँ जिसकी शॉर्टकमिंग्स थी वहाँ उसको हेल्प की तो ही एक टीम वर्क परफॉर्म होते. ठीक है बेटा देयर आर वेल डॉक्यूमेंटेड टीम वर्क प्रिंसिपल्स. कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड टीम वर्क प्रिंसिपल्स होती हैं जो आपको एज अ हेल्थ केयर वर्कर का इम्प्लीमेंट करने चाहिए. ठीक है अब ऐसा हेल्थ केयर वर्कर नहीं सिर्फ बेटा आप अपने लेवल पे आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप अपने लेवल पे कैसे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है. देयर आर वैरायटी ऑफ टेक्निक्स दैट हैव बीन डेवलप्ड. ठीक है टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन. तो एक टीम वर्क में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स को फॉलो करें कम्युनिकेशन गैप को खत्म करें. कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा तो हेल्थ केयर सिस्टम एफिशिएंट होगा. Performance requirement here is beta. Being a medical student, you should apply teamwork principles in your interaction with the other students or through observing and being part of healthcare teams. ठीक है मैंने आपको जैसे बताया था कि आप being a medical student क्या कर सकते हैं कि जब आप rotations पे जाएं ठीक है और patients के साथ interaction हो आपका या clinics में आप internships करते हैं. ठीक है तो वहाँ आपका interaction होता है healthcare workers के साथ भी अपने colleagues के साथ भी होता है अपने juniors के साथ भी seniors के साथ भी और patients के साथ भी उनकी families के साथ भी. वहाँ बेटा ये आपकी patient safety काम आती है कि क्या आप अपने इन principles को follow करते हैं वहाँ पे. तो बेटा क्या आप follow करती हैं मैम हम अभी तक गए ही नहीं है मैम अभी तक गए नहीं ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं मैम. मैम अब जाएंगे 15 से. मैम हॉस्पिटल रोटेशन हमने अभी तक एक भी नहीं की. बेटा रोटेशंस पे क्यों नहीं जाते आप पर्सनली खुद अरेंज किया करें दोस्त मिलके किसी गवर्नमेंट. मैम एक्चुअली पहले हमने ट्राई किया दो तीन जगह पे मगर कोरोना की वजह से कहीं पर भी अलाउ ही नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए भी और वैसे विजिट के तौर पे भी. बेटा आप लोग जो है वो अभी तो कोरोना की वजह से नहीं कर रहे ना लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कोरोना की वजह से नहीं कर रहे कुछ प्राइवेट सेटअप्स में ऐसे किया करें कि उनके एचओडीज जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होती है ना उनसे जाके पर्सनली खुद मिला करें और उन्हें कहें कि हम ज्यादा सारे स्टूडेंट्स जो है वो एक दफा में नहीं आते आपके पास हम ये कर लेते हैं कि दो स्टूडेंट्स एक वीक आ गए. ठीक है नेक्स्ट टू स्टूडेंट्स एक वीक आ गए.
ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं बेटा जो आपको अलाउ करते हैं, और ना सिर्फ अलाउ करते हैं, आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं. ठीक है, वहाँ आपका एक्सपोजर होता है पेशेंट्स के साथ, ठीक है, आपका एक्सपोजर होता है दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ, आप सीनियर से सीखने को मिलता है आपको बहुत कुछ. और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट्स के साथ एक्सपोजर. जब ये आपके आपको एक्सपीरियंस होता है, ये एक्सपीरियंस करते हैं आप, तो ही आपको पता चलता है कि आपकी फील्ड में है क्या, आपने करना क्या है. ठीक है, तो आप खुद जाया करें इंस्टीट्यूशन एचओडीज के साथ, मिला करें, उनसे परमिशन लें. ठीक है, उनको कहें कि कोविड की वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि दो दो स्टूडेंट्स आ गए, एक वीक को दो स्टूडेंट्स आ गए, नेक्स्ट वीक दो आ गए. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन गो फॉर रोटेशंस एज वेल. इस तरह आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी इवन जा सकते हैं. ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम होती है तब आप चाह रहे होते हैं कि ग्रुप्स के ग्रुप्स जाएं आप. ठीक है, फ्रेंड्स के ग्रुप्स. रेफरेंस का भी बहुत मसला है, हर एक को रेफरेंस चाहिए होता है. मैम रेफरेंस मांगते हैं, और जहाँ भी प्राइवेट में जाते हैं वो यही बात करते हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है, जब स्पेस होगी तब आपको बता देंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो. या फिर मैम पेड, वो कहते हैं कि पे करें और फिर आप. नो नो बेटा, डोंट गो फॉर पेड इंटर्नशिप्स. ठीक है, आपका एक्सपीरियंस ये वाला. अब हमने जहाँ पर भी छुट्टियों में, मैम छुट्टियों में जहाँ पर भी अप्लाई किया ना प्राइवेट में, वो यही बात करते हैं, या हमारे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो हमारे पास पेड है 8,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ. बेटा आपका ये एक्सपीरियंस तो बच्चे काउंट ही नहीं होता, क्या आपने ग्रेजुएशन से पहले जो एक्सपीरियंस किया है ना, आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो ये तो काउंट ही नहीं होता. योर एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंसेस, दैट एक्सपीरियंस जो आपने डिग्री के बाद की है. ठीक है, तो डिग्री यूनिवर्सिटी की तरफ कोई अरेंजमेंट ही नहीं है. क्या हुआ बच्चे? मैम यूनिवर्सिटी वाले करवाते हैं, मतलब हमारा जो पहले ईएसपी ईएसपी 2 भी अब ऑनलाइन ही है, तो जैसे बात इंटरेक्शन होगी नहीं तो किस तरह सीखेंगे. नहीं बेटा, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में खुद जाया करें. ठीक है, हॉस्पिटल्स में उनके एचओडीस के साथ बात किया करें. अगर आप पेड लेते हैं, ऐसा नहीं करवाते, पेड लेते हैं. अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो ऑब्वियसली आपको अलाउ करेंगे. ठीक है बच्चे, ओके. नाउ व्हाट आर द प्रैक्टिकल टिप्स बेटा ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, जो आपने बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट प्रैक्टिस करनी है. ठीक है बेटा, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ऑलवेज इंट्रोड्यूस, मैंने आपको बताया था कि हमेशा इंट्रोड्यूस करें अपने योर सेल्फ टू द टीम. और अगर पेशेंट को कर रहे हैं तो पेशेंट को भी इवन राइट साइड से अप्रोच करें, उसको इंट्रोड्यूस करें, उससे उसका कॉन्सेंट लें. ठीक है, और फिर उसके बाद बेटा द मेन थिंग हियर इज यू आर गोइंग टू क्लोज द कम्युनिकेशन लूप. कम्युनिकेशन लूप या कम्युनिकेशन जो गैप है बेटा, आपने उसको अवॉइड करना है. ठीक है, जो आपने टेक्निक्स यूज करनी है वो पेशेंट को डिटेल में बताएं. ठीक है, पेशेंट के क्वेश्चंस को. जी बच्चे, पेशेंट के क्वेश्चंस को सुने, पेशेंट की कंप्लेंट्स को सुने, उनको एड्रेस करें. ठीक है, आप अगर टीम में काम कर रही हैं और आपका जो टास्क है उसको लोगों तक, लोगों के सामने क्लियर करें. आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रही हैं. ठीक है, क्लेरिफाई योर रोल. ठीक है, अपने रोल को जस्टिफाई करें, क्लेरिफाई करें. ठीक है, इन व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर, यू आर गोइंग टू यूज ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज हियर. आपने उस लैंग्वेज में समझाना है कि नेक्स्ट बंदा जिससे आप बात करें उसको समझ आए. ठीक है, पीपल लर्न टू यूज पीपल नेम्स, पीपल लोगों के नामों के साथ उनको एड्रेस करिए. ठीक है, अगर आप पेशेंट से भी इवन एड्रेस करिए तो उनका नाम लेके करिए, तो इससे उनका कंफर्टेबल लेवल जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, बीइंग असर्टिव व्हेन रिक्वायर्ड, जहां आपको लगता है आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है वहां पे एक्सप्लेन करिए. ठीक है, अगर कोई बात आपको नहीं समझ आ रही तो दूसरे पर्सन से या दूसरे कोलीग से पर्सपेक्टिव लें, सजेशन लें. ठीक है, टीम ब्रीफिंग करें. ठीक है, और जब आपको लगे कोई कंफ्लिक्ट या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपने ये नहीं देखना व्हाट इज राइट, अपने पेशेंट बेनिफिट के लिए काम करना है, नॉट फॉर द पीपल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम. आपका मेन कंसर्न पेशेंट होनी चाहिए. ओके, सो बेटा दीज आर द टिप्स बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट जो प्रैक्टिकली अप्लाई करना. एनी प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर? नो मैम. नो मैम. नो मैम. नो मैम. Everything is clear in this presentation? Any slide? If you find difficult, you can let me know. Ma'am, I want to ask something to you. Ji, beta, bit aloud. Ma'am, I puchna chah raha tha ki ye jo hum jo private setup ke andar internships karte hain kisi acche setup jisme jo pilab hogi ya shop up khanam hogi apni degree ke duran,
जब हम अप्लाई करेंगे किसी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो वहाँ पर फिर इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाएगा, इसने एक अच्छे सेटअप के ऊपर इंटर्नशिप की है, और आप कह लेंगे ये काउंट नहीं होती कहीं भी। नो बेटा, आपकी कोई भी एक्सपीरियंस ये वाला नहीं मानता जो आपने पहले किया होता है, ठीक है। और अगर आप इसलिए काम कर रही है ना, प्राइवेट इंटर्नशिप कर रही है कि आपको जॉब अच्छी मिले, तो बेटा एक महीना किसी एक अच्छे हॉस्पिटल में काम कर लिया है ना, तो बस उसका एक्सपीरियंस बहुत है, ठीक है। ये चीजें मैटर ही नहीं करती बाद में, ठीक है। एक्सपीरियंस वही है जो डिग्री के बाद आपने लिया, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है या ना भी अप्लाई करना है, वो ये पूछेंगे कि हाँ डिग्री के बाद कहाँ काम किया, ठीक है। बाकी ये कि पेड इंटर्नशिप्स के पीछे नहीं भागे, आप खुद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जाएं और वहां के एचओडीज के साथ बात करें पर्सनली, खुद वो खुद आपको अलाउ करते हैं बेटा, ठीक है। आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और मेयो हॉस्पिटल, बहुत से आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स आते हैं, और बेटा वो लोग आके जो है वो एचओडी से बात करती हैं और वो प्रॉपरली इंटर्नशिप करती हैं, ठीक है। तो आपको यू डोंट नीड टू पे फॉर द इंटर्नशिप, आपको इंटर्नशिप के लिए पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके मैम। सो बेटा नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 6, ठीक है। ये हमारा न्यू टॉपिक है और इसकी लेक्चर आउटलाइन ये है कि इसमें आपने एरर्स को डिस्कस करने हैं, ठीक है। फिर आपने देखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर वायलेशन, ये दोनों आप चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। द न्यू थिंग, न्यू टर्म्स हियर इन दिस लेक्चर इज बेटा नियर मिस इन हैंड, नियर मिस और हैंड साइड बाइस, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। फैक्टर्स प्रीडिस्पोजिंग टू एरर्स, RCA मॉडल आप डिस्कस करेंगे, और दूसरा आप देखेंगे कि इन क्लिनिकल रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेटा जो आपका एरर है, एरर तो आपको पता है एरर और वायलेशन में क्या फर्क है, ठीक है। एरर वहां पे आते हैं जब आपको पता नहीं होता और आपसे कोई एडवर्स इवेंट या कोई गलती हो जाती है, ऐसी मिस्टेक जो आप अनइंटेंशनली कर लेती हैं उसको आप एरर कहते हैं, ठीक है बेटा। और इंटेंशनली अगर आप डिलीबरेटली, आपको पता है कि ये काम करने से ये प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट के साथ, लेकिन आप फिर भी वो काम करते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं वायलेशन, कि डेलिब्रेटली या इंटेंशनली आपने ये गलती की है जानते हुए भी, ठीक है। सो दिस इज वायलेशन, यू आर वायलेटिंग द रूल्स हियर, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म हियर इज बेटा नियर मिस, ठीक है बेटा। नियर मिस ऐसा इंसिडेंट है जो प्रॉपरली, अभी जिसने पेशेंट को ज्यादा डैमेज नहीं किया, पेशेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आपकी थोड़ी सी मिस्टेक से उसके टाइम और पोजीशन में फर्क आया है, ठीक है। कि कोई प्रोसीजर आप कर रहे हैं और आपकी हैंडलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, लेकिन पेशेंट को ज्यादा कोई हार्म नहीं पहुंचा, तो इसको हम कहते थे नियर मिस, ठीक है, कि होने वाला था नुकसान लेकिन इतना हुआ नहीं, ठीक है। एंड व्हाट इज हाइंडसाइट बाइस बेटा, हाइंडसाइट बाइस इसे कहते हैं कि एक सपोज आप काम कर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम में, और आपसे कोई काम गलत हो जाते हैं, और फिर आप अपनी assumption और prediction को कहते हैं कि हाँ मैंने पहले ही predict किया था कि ये मेरे से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये psychological phenomena है कि आप ये अपने आप को convince कर रहे होते हैं कि हाँ ये गलती मुझसे हो गई है, मैंने पहले ही, मुझे पता था ये मुझसे हो जाएगी, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं hindsight bias, ठीक है। और near miss कि अभी जो आपने प्रोसीजर किया उसकी, उसमें आपकी इससे थोड़ी सी हैंडलिंग जो है वो डिस्टर्ब हो गई, और यहाँ पे पेशेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था लेकिन उससे बच गया, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज आया पोजीशन में, टाइम में, लेकिन उस तरह पेशेंट को कोई हार्म या कोई डैमेज नहीं हुआ, ठीक है। सो बेटा व्हाट यू आर गोइंग टू परफॉर्म हियर, यू आर गोइंग टू नो द वेज टू लर्न फ्रॉम एरर। आपने देखना क्या है, ये देखना है कि आप एरर से क्या लर्न करती हैं, फिर आप कैसे एक एडवर्स इवेंट को एनालाइज करती हैं, और फिर क्या स्ट्रेटजीज बनाते हैं उन एरर्स को कम करने के लिए, ठीक है। सो बेटा व्हाट इज एरर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब आप कोशिश करें कि काम ठीक से हो बट अनइंटेंशनली काम गलत हो जाए, ठीक है। व्हाट इज वायलेशन, कि आपको पता है कि इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आप डेलीबरेटली इंटेंशनली वो मिस्टेक करते हैं, तो ये वायलेशन है, ठीक है। हाइंडसाइट बाइस क्या है, दिस इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना दैट अलाउज पीपल टू कन्विंस देमसेल्व्स आफ्टर एन इवेंट दैट दे हैड एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड इट बिफोर इट हैपेंड, तो उन्हें पहले ही पता था कि ऐसा होना, ठीक
ठीक है, तो कब जब कोई गलती हो जाए या कोई वायलेशन या एरर हो जाए तो वो लोग अपने आप को खुद ही कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ मैंने तो पहले ही प्रिडिक्ट किया था ये होना था, ठीक है. सो इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, इसको आप कहते हैं हाइंडसाइट बायस. ओके, व्हाट इज नियर मिस, इट इज एन एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन दैट कुड हैव हार्म्ड द पेशेंट बट डिड नॉट कॉज हार्म इज अ रिजल्ट ऑफ चांस प्रिवेंशन और मिटिगेशन. कि आप जो प्रोसीजर कर रहे थे या जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे थे उससे पेशेंट को हार्म हो सकता था लेकिन उस नुकसान से आपने आप बच गए प्रिवेंशन के थ्रू, चांस या मिटिगेशन के थ्रू. ठीक है, सो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ पेशेंट को, तो आप इसको कहते हैं नियर मिस. ठीक है, नाउ बेटा हेल्थ केयर कॉन्टेक्स्ट इज प्रॉब्लमेटिक. ऑब्वियसली बेटा कि वर्क प्लेस में आप काम कर रही हैं और वहां पे कोई एरर हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है, मेन कंसर्न यहाँ पे ये है कि ज्यादा वो डैमेजिंग या ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तब है जब वो पेशेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है, बिकॉज बेटा जो ह्यूमन कॉस्ट है जो मैंने आपको डिस्क्राइब की थी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अगर एक नुकसान जो है वो एट द रिस्क ऑफ ह्यूमन कॉस्ट आप कर रही हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है, ओके, देन इज बेटा इंक्रीज रिस्क फॉर एरर. कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो एरर के रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं? अनफेमिलियरिटी विद द टास्क. ठीक है, कि आपको पता ही नहीं है आपने क्या काम करना है, क्या ड्यूटी आपकी. ठीक है, इनएक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस ही इतना नहीं है. ठीक है, शॉर्टेज ऑफ टाइम, टाइम शॉर्ट है आपके पास. ठीक है, इनएडिक्वेट चेकिंग, कि आप जो है वो उसका फीडबैक और रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड वो इनएडिक्वेट है आपका. जो प्रोसीजर आपने डिसाइड किया वो ही पुअर है. इंडिविजुअल फैक्टर्स, एज अ हेल्थ केयर वर्कर आपके कौन से फैक्टर्स हैं जो एरर की तरफ आपको लेके जा सकते हैं? लिमिटेड मेमोरी कैपेसिटी, फटीग, स्ट्रेस, हंगर, इलनेस, लैंग्वेज बैरियर बेटा, या आपका एटीट्यूड. तो बेटा ये साइंस आपने कभी भी इग्नोर नहीं करने. इफ बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर यू आर हंग्री, यू आर एंग्री, यू आर लेट और यू आर टाइर्ड, ठीक है, तो आप काम अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे आप पेशेंट की लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हैं. ठीक है, क्या असेस करनी है अपनी खुद असेसमेंट एज अ हेल्थ केयर वर्कर? आई एम सेफ, इलनेस, मेडिकेशन, स्ट्रेस, अल्कोहल, फटीग, इमोशन. ठीक है बेटा, एरर से कैसे आप लर्न करते हैं? आपने एक इवेंट हुआ उसकी रिपोर्टिंग की, देखा ये प्रॉब्लम थी, उनको रिमूव कैसे करना है. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज मॉनिटर किया आपने पूरे इंसिडेंट को. ठीक है, तो ये एक मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजीज है. ठीक है, आपने रिपोर्टिंग की, आपने फीडबैक लिया. ठीक है, आपने जो इंसिडेंट से आपको जो इफेक्ट्स मिल रही हैं या जो आपको लगता है कि जहां जहां शॉर्टकमिंग्स हैं उनको इम्प्रूव किया. ठीक है, और नियर मिसेस को रिपोर्ट किया. ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रेटेजी बेटा कि किस तरह आप एक इंसिडेंट को लेके चलते हैं, किस तरह एक इंसिडेंट को मॉनिटर करते हैं. बेटा RCA मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने. RCA स्टैंड फॉर रूट कॉज एनालिसिस. ये वो मॉडल है बेटा जिसके थ्रू आप ये असेस करते हैं कि आइदर ये इवेंट हुआ इसका रूट कॉज कहाँ है. ठीक है, बेसिकली इसके पीछे कॉज क्या है. ठीक है, सो रूट कॉज एनालिसिस इज अ टूल टू हेल्प हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस रिट्रोस्पेक्टिवली. रिट्रोस्पेक्टिवली मीन्स बेटा कि एक इवेंट हो गया है. ठीक है, लेकिन जब आपके पास आए कि ये इवेंट हुआ है तो आपने उसको पीछे से एड्रेस करना है. ठीक है, पीछे से उसको एनालाइज करना शुरू करना है कि हाउ इट हैपन. ठीक है, जब आप पीछे से आपके पास जो इवेंट आया सिर्फ उसको नहीं, करंट सिचुएशन को नहीं देख रहा, उसके बैकग्राउंड को भी देखना है आपने. तो इसको कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिवली आप स्टडी कर रही है इवेंट को. ठीक है, वेयर पेशेंट हार्म और अनडिजायर्ड आउटकम्स अकर्ड इन ऑर्डर क्यों टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज. आप रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको एड्रेस करते हैं. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी. ठीक है, अ रिग्रेस कॉन्फिडेंशियल अप्रोच टू आंसरिंग. क्या अप्रोच होनी चाहिए बेटा आपकी? आपने उस इवेंट को कैसे एड्रेस करना है? व्हाट हैपेंड, ये करंट सिचुएशन है, Why did it happen? ठीक है, कि कैसे हुआ? What are we going to do? अब आपने address कर लिया ये root cause थी, अब आपने देखना है कि how we can prevent it from happening again. ठीक है, और आपने फिर ये देखना है कि अब फिर success of the event देखनी है कि either आपने जो changes किए थे उससे आपने prevent किया, future में इस event को रोका, हो
होने से, तो फिर आपने देखना है कि आइदर आपके जो मेजर्स थे या जो एक्शंस आपने लिए थे उसने इम्प्रूव किया हेल्थ केयर सिस्टम को या पेशेंट सेफ्टी को या नहीं किया. इज इट क्लियर बेटा? यस मैम. रूट कॉज एनालिसिस इज क्लियर टू यू? यस मैम. यस मैम. तो बेटा आरसीए मॉडल फोकस ऑन प्रिवेंशन, इसका काम है प्रिवेंट करना, क्योंकि हम कौन सी अप्रोच की तरफ जा रहे हैं? सिस्टमेटिक अप्रोच की तरफ. हम ब्लेम नहीं कर रहे किसी को, हम किसी के लिए पनिशमेंट या ब्लेम की तरफ नहीं जा रहे, हम सिस्टमेटिक अप्रोच करके ये देख रहे हैं कि कॉज कहाँ थी और इस कॉज को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. ठीक है? सो इट फोकस ऑन सिस्टम लेवल वल्नरेबिलिटीज रादर देन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. आप सिस्टम लेवल पे उसकी शॉर्टकमिंग्स को देख रहे हैं, आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को या पर्सन अप्रोच की तरफ नहीं जा रहे, आप सिस्टम अप्रोच की तरफ जा रहे हैं. ठीक है? So, personal error reduction strategies, बेटा, as a healthcare worker, आप personal level पे कैसे error reduction strategies adopt कर सकती हैं? Know yourself, ठीक है? आपको अपना बेहतर पता है, आपको पता है कि मैं किस टाइम मेरी नींद प्रॉपर होनी चाहिए. ठीक है? यू शुड ईट वेल, लुक आफ्टर योर सेल्फ. ठीक है? बिकॉज आप हेल्दी होंगे तो ही आप पेशेंट्स को लुक आफ्टर कर सकेंगे. ठीक है? नो योर एनवायरमेंट, आपको पता होना चाहिए कि आपका कम्फर्ट लेवल क्या है, आप किस एनवायरमेंट में कंफर्टेबल होकर काम कर सकते हैं. ठीक है? क्योंकि आप ऐसे एनवायरमेंट में ही अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिस एनवायरमेंट में आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल होकर काम कर सकते हैं. ठीक है? नो योर टास्क, आपको पता हो कि आपकी ड्यूटी क्या है. ठीक है? फिर आपको पता है कि आपकी ड्यूटी क्या है, तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर भी करें, प्लानिंग भी करें. ठीक है? कि क्या कब करना है आपने. ठीक है? और अगर ये हो जाता है तो उसको कैसे मैंने मैनेज करना है. ठीक है? बिल्ड चेक्स इन टू योर रूटीन, अपनी रूटीन को खुद चेक करें, चेक योर सेल्फ फर्स्ट. ठीक है? अगर आपको लगता है कि इफ यू डोंट नो समथिंग आस्क, ठीक है, कॉल आउट फॉर हेल्प. क्लिनिकल रिस्क को बेटा कैसे मैनेज करते हैं, आइडेंटिफाई करें उन अपॉर्चुनिटीज को, उन सर्कमस्टांसेस को जो पेशेंट के लिए रिस्क फैक्टर है. ठीक है? और फिर उनको प्रिवेंट करें. स्टेप्स टू मैनेज क्लिनिकल रिस्क, क्या स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं क्लिनिकल रिस्क को मैनेज करने के लिए? आइडेंटिफाई द रिस्क बेटा, सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करें, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करें. ठीक है? फिर उसकी फ्रीक्वेंसी और सिवेरिटी देखें. ठीक है? कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिस्क हो रहे हैं और क्या किस सिवेरिटी के साथ हो रहे हैं. ठीक है? फिर उस रिस्क को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, उसके लिए मेजर्स लें. ठीक है? कॉज द रिस्क, देखें आइदर ये रिस्क या आइदर ये इवेंट ह्यूमन कॉस्ट कॉज कर रहे हैं या इकोनॉमिकल कॉस्ट कॉज कर रहे हैं. तो बेटा जो ह्यूमन कॉस्ट कॉज कर रहे होंगे ना, वो ज्यादा सीरियस हैं, वो ज्यादा डेंजरस हैं, तो आप उनकी तरफ जाएंगे. ठीक है? उनको ज्यादा आप प्रायोरिटाइज करेंगे. ठीक है? बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इकोनॉमी. सो नॉलेज रिक्वायरमेंट्स में बेटा उन एक्टिविटीज की तरफ जाएं जिससे आप इंफॉर्मेशन गैदर करें अबाउट रिस्क. फिटनेस टू प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाएं. ठीक है? तो बेटा ये स्टेप्स थे जो हम प्रीवियस प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप किसी एरर को या रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं. तो उसमें आता है कि सबसे पहले रिपोर्ट करें जो रिस्क है या हेजर्ट है उसको रिपोर्ट करें. कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड रखें अपने पास. ठीक है? आपको पता होना चाहिए कब आपको किसी की हेल्प की जरूरत है, किसी सुपरवाइजर की, किसी सीनियर की या किसी और प्रोफेशनल की. ठीक है? सो आस्क फॉर हेल्प इफ यू नीड टू, कॉल आउट फॉर हेल्प. ठीक है? उन सेमिनार्स में, उन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करें जिसमें डिस्कस किया जाए इस इशू को. ठीक है? अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करें पेशेंट्स को, उनकी फैमिलीज को, कंप्लेंट्स को रिस्पॉन्ड करें. ठीक है? बिकॉज आपको कंप्लेंट से ही बेटा फीडबैक मिलता है. ठीक है? अब एक्टिविटीज क्या है बेटा? इंसिडेंट मॉनिटरिंग, सेंटिनल इवेंट्स. सेंटिनल इवेंट्स कौन से होते हैं? आई हैव टोल्ड यू. यस, टेल मी बेटा. मैम जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता, कोई कॉज नहीं होता. मैम जिनका कोई कॉज नहीं होता उसको हम लोग सेंटिनल इवेंट्स कहते हैं. सॉरी बेटा, क्या होती है? मैम जिनका कोई कॉज नहीं होता, जो सीरियस इंजरी कॉज कर सकते हैं या डेथ कॉज कर सकते हैं. यस, डेथ कॉज कर सकते हैं बेटा. अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जैसे डेथ या डिसेबिलिटी. ठीक है? तो ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है ना. ठीक है? सीरियस अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, इनको कहते हैं सेंटिनल इवेंट्स. ओके? तो आप इंसिडेंट की प्रॉपर मॉनिटरिंग करें,
सेंटिनल इवेंट्स हैं तो उनको मॉनिटर करें, ठीक है, कंप्लेंट्स को देखें कि हेल्थ केयर सिस्टम में आपको क्या कंप्लेंट्स फेस करनी पड़ रही है, फिर ये देखें बेटा कि कहाँ किसी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है उस कंप्लेंट के लिए, ठीक है. कंप्लीट इन्वेस्ट, क्रोनियल मीन्स कंप्लीट, तो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है. फिटनेस टू प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट, बेटा एक हेल्थ केयर सिस्टम में को फिट बनाने के लिए आपने क्या प्रैक्टिस करना है उस सिस्टम में, क्रीडेंशियलिंग, कि आप पहले ये देखिए कि जो बंदा जो हेल्थ केयर वर्कर आप हायर कर रही है आइदर वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा भी हुआ है जो रजिस्टर्ड है, ठीक है. फिर उसकी रजिस्ट्रेशन, कि उसकी रजिस्ट्रेशन कब करनी है आपने, अगर वो किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से आए, अगर उसकी जो ग्रेजुएशन है या जो डिग्री है बेटा वो किसी ऐसे ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन से है तो ही आप उसे रजिस्टर करेंगे, ठीक है. और एक्रेडिटेशन मींस बेटा कि आप किसी ऐसे अदारे में आप काम कर रही हैं जो रिकग्नाइज्ड है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है, ठीक है. सो दिस इज, दीज आर द प्रिंसिपल्स जिनको आप फॉलो करके अपने सिस्टम को सूटेबल और अप टू डेट कर सकते हैं, ठीक है. पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी में बेटा वही आपने एज अ हेल्थ केयर वर्कर खुद को सेल्फ असेस करने, फटीग देखनी है, फिटनेस, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंट देखनी आपके लिए सूटेबल है या नहीं, सुपरविजन के लिए आपने खुद कॉल आउट फॉर हेल्प अगर आपको सुपरविजन की जरूरत है, अगर आपको कम्युनिकेशन गैप लग रहे तो उस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना है, ठीक है. एनी प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर बेटा? नो मैम. Any no student problem. Want to ask anything regarding the presentation or regarding the lecture? Everything clear? Yes, ma'am. Okay, beta. Now I am going to take your attendance today in class. ठीक है, आज आपकी class में मैं attendance लूँगी. So be attentive. Okay, ma'am. अब्दुल हनान, अब्दुल मनान, अब्दुल मनान खान. प्रेजेंट मैम. बेटा बी अटेंटिव, आई विल जस्ट कॉल द नेम वंस, ओके. आबरू फातिमा मैम. हेलो. आबरू फातिमा. अहमद नदीम. ईमन लतीफ. ईमन लतीफ. अलीहा नवीद. आमिना वहीद. प्रेजेंट मैम. अमीना. आमना बशीर. आमिना बशीर. मैम प्रेजेंट. अमीना प्रेजेंट. अमीना वहीद बेटा वो प्रेजेंट है. आमिना बशीर वो भी प्रेजेंट है. ओनली आमिना वहीद इज प्रेजेंट, राइट. आमिना अजहर. मैम आमिना बशीर भी प्रेजेंट है. आमिना अजहर. आमना शकील. आमिना. आमना रफीक. आमना रफीक. अनम फातिमा. प्रेजेंट मैम. अनुषा शाहिद. प्रेजेंट मैम. मैम मेरा नाम. यस मैम मेरा नाम नहीं आया. आमना यासीन. बेटा आपका ब्लॉग है एक पोर्टल. ओके मैम. अक्सा अरशद. प्रेजेंट मिस. अक्सा लियाकत. यस मैम प्रेजेंट. अक्सा नजीर. अक्सा तबसुम. मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही. अक्सा वजीर. अक्सा तबसुम. अक्सा नजीर. अक्सा तबसुम. अक्सा वजीर. अरीबा जावेद. अरीबा जावेद.
Areej Arshad, Aisha Musharraf, Aruba, present. Aruba, present. Beta loud beta, ठीक है. Aruj Aziz, Aisha Binti Habib, Aisha Hassan, present ma'am. Aisha Kesar, present. Aisha Kesar, Aisha Shehbaz, Aska Nadeem, present ma'am. Faika Zainab, present ma'am. Farhad Hassan, Farooq Ahmed, Farooq Javed, Farwa Rizwan, present ma'am. Fatima Arshad, present ma'am. Ghazia Waseem, present ma'am. Hadia Abid, Hadia. Hafiz Hasnain, Hafiz Junaid, Hafiz Junaid, Hafiza Aniza, Hafsa Khalid, present ma'am. Halima Sadia, Hamayal, Hamad Haider, yes ma'am. Hamna Iftikhar, Hani Arif, Hanan Shaukat, Hifza Munir, present ma'am. Hina Inam, present. Hira Binti Raza, present ma'am. Udaybiya Sarwar, present ma'am. Hamna Malik, beta mute yourself. Hamna Malik, Ikra Jameel, Ikra Qasim, present. Ikra Jameel ma'am. Ikra Qasim, Ikra Rehman, present. Ikra Tabassum, present. Irish Fatma, Iram Sabir, present ma'am. Kinza Jameel, Ikra Qasim, present. Present ma'am. Ma'am, Kinza Jameel, present. Ma'am, Ikra Qasim, present. Net disconnect ho gaya tha. Ma'am, Iram Sabir, मुझे भी आवाज नहीं आई थी. आपने बिल्कुल स्टार्ट में लिया. आपके बाद में प्रेजेंट बेटा नेम, व्हाट्स योर नेम? आप रूए फातिमा जी, आप रूए फातिमा. ओके बेटा, टेल मी इन द लास्ट में बताइएगा मुझे. इरम साबिर, प्रेजेंट मैम. किंजा जमील, बी अटेंटिव. किंजा जमील, प्रेजेंट मैम. किरण शहजादी, Laiba Abbas, present ma'am. Ma'am, Kiran Shehzadi, present. Okay, Laiba Abbas, Laiba Abrar, present. Lareeb Asim, present ma'am. Maham, present ma'am. Mahira Nasir, Manoor Rehman, Mahnoor Umar, present. Mahzeb Kamran, Maliha Javed, present ma'am. Miss Manoor Umar, present. Ji, kaun? Ma'am, Maliha Javed, present. Manoor Umar, Miss Manoor Umar. Mahira Nasir, Shahad Hassan ma'am. बेटा अभी मैं जिनकी ले रही हूँ उनकी मुझे बोलने दें, एंड पे जो रह गए हैं वो मुझे बताएं. ओके, मानूर उमर, ओके मैम. महजीब कामरान,
मलिहा जावेद प्रेजेंट मनाहिल गुल मिस प्रेजेंट मानूर उमर नेट स्लो आ रहा है मरियम अब्बास प्रेजेंट मैम मरियम अब्बास मरियम नदीम मरियम राशिद मरियम सलमान मोमना तारिक मुझे जफर मोहम्मद अहमद मोहम्मद अमीन मोहम्मद आमिर मोहम्मद अमाद प्रेजेंट मैम मोहम्मद अजहान मोहम्मद बिलाल मोहम्मद बिलाल प्रेजेंट मैम मोहम्मद फैसल प्रेजेंट मैम मोहम्मद हसीब मोहम्मद साबिर मोहम्मद शुएब प्रेजेंट मैम मोहम्मद उमेर मोहम्मद उमर मोहम्मद उजैर मोहम्मद वसीम प्रेजेंट मैम बेटा आपका क्या है आईडी 7 है या 40 मोहम्मद वसीम प्रेजेंट मैम 7 है आपके आईडी में या 40 है स्टूडेंट आईडी टू नेम्स मोहम्मद वसीम टू नेम्स है बेटा वन विद द 7 आईडी एंड वन विद 40 कौन से वाले मैम मेरा 40 है ये 7 भी है और 40 भी है यस मैम ओके मोहम्मद जुहैब यस मैम मोहम्मद जुनेर अख्तर प्रेजेंट मुकशफ फातिमा प्रेजेंट मैम मुनीबा बशीर प्रेजेंट मैम नतेलिया सुहेल बेटा व्हाट्स योर नेम मैम इट्स नतालिया नतालिया सुहेल ओके यस मैम नेहा हाबर निमला अमीन निमरा प्रेजेंट मैम निमला अमीन प्रेजेंट ओके निमरा इज प्रेजेंट ओके निमरा अहमद निमरा रजाक नूर फातिमा प्रेजेंट मैम नूर नवाज नुवेरा तजम्मल राजिया नईम प्रेजेंट रबिया जमील प्रेजेंट मैम रमशा फातिमा राना मोहम्मद मुईज प्रेजेंट मैम रिदा जहरा प्रेजेंट मैम रिजा खालिद यस मैम रिमशा प्रेजेंट मैम रिमशा विद 15 आईडी बेटा मैम मैं प्रेजेंट टू रिमशा 47 ओके ओके रिमशा इजाज प्रेजेंट मैम रिमशा जावेद प्रेजेंट मैम रिमशा सनाउला प्रेजेंट सादिया सैफ सैफुल्ला प्रेजेंट मैम समन इजाज प्रेजेंट मैम समन जावेद समीना बाबर प्रेजेंट मैम समरा जहांगीर सना मुनीर प्रेजेंट मैम सनीला गफार प्रेजेंट मैम आरोश सीमा महबूब श्वेब अली प्रेजेंट मैम सिद्रा बास प्रेजेंट मैम सिद्रा बास सिद्रा मुख्तार सिकंदर सुभानी प्रेजेंट मैम सिकंदर सुभानी प्रेजेंट ओके ओके सुनीक अहमद सैयदा ईमन प्रेजेंट मैम सैयदा शाइस्ता प्रेजेंट मैम तहमीना तहमीना
Tuba Nadeem. Present. Maima Gilani. Umair Khan. Present. Ma'am, Maima Gilani present. Okay. Arfa. Usama. Ahmed. Present, ma'am. Usama Rafiq. Present, ma'am. Zair. Warda Qasim. Present, ma'am. Zahid Hussain. Zishan Ali. Zuhaib Tariq. Present, ma'am. Ma'am, Zuhaib is present. Ji? Present, ma'am. Zonish Khan. Here, ma'am. Zubia Kalsoom. Zubair Ahmed. Present, ma'am. Yes, beta, those who were left, tell me. Ma'am, I have read your beta, one Ms. by one. Ms. Abru Fatma. Okay, next. Aksa Wazir. Aksa? Wazir. Okay, anyone else? Areej Arshad, ma'am. Areej Arshad, okay. Anyone else? बेटा वो बच्चे नहीं बताने जो नहीं थे क्लास में मिस अक्षत वसु मैम मेरा क्लैश था मैंने अभी दोबारा ज्वाइन किया जी बेटा अपना नाम बताएं अक्षत वसु ठीक है आपकी लग गई है एनीवन एल्स मैम रहमान जी मैम मनूर रहमान मनूर रहमान मैम महानूर रहमान मैम अक्सा लियाकत उसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया बेटा अटेंडेंस वाले टाइम आपका नेट में डिस्कनेक्ट हो जाता है मैम एनीवन एल्स अब्दुल्ला नाम मैम मैम सर मैम मैम सोशल प्रेजेंट है अनान यस एनीवन एल्स मैम उज़ैर मिस मनूर उमर अक्सा लियाकत अक्सा लियाकत बेटा आप हो गई हैं ओके जस्ट कीप क्वाइट हां दरअसल मैम एनीवन एल्स मैम नूर नाम है खावर जी बेटा पहले आप बोले फीमेल स्टूडेंट बोले आप मैम नूर नवाज सॉरी मैम नूर नवाज मैम नेहा खावर की लगा दी है मिस मानूर उमर मैम मेरा सर बेटा बस अब जिसकी लग गई है उनकी लग गई है ठीक है मैम फिर आदत है ओके यस एनीवन एल्स फिर आदत है मिस नूर उमर यस मैम नेहा मैम सिद्रा अब्बास मैंने बोला था लेकिन आपने नेक्स्ट सिद्रा एक और थी उसका भी नेम रिपीट कर दिया था उसी टाइम नेहा अब्बास नेहा खावर नो जी मैम नेहा खावर सिद्रा अब्बास सिद्रा अब्बास मैम नेहा खावर भी आपको कब से बोला है तो किसका बेटा कब से बोले मैम नेहा खावर जी हो गया आपका मैम फराद हसन की होगी सॉरी रहाद हसन जी जी आपकी भी हो गई मैम उसे मैम इकरम कासिम मैम सोशम आपकी होगी मिस मानूर उमर की अटेंडेंस एक बार चेक कर लें प्लीज नहीं हो गई है बेटा जब मैं नाम बोलती हूँ तब रिस्पॉन्ड किया करें ठीक है नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कि जब मैं आपके नाम बोलूं व्हेन आई कॉल योर नेम बी अटेंटिव एंड जस्ट रिस्पॉन्ड मी देयर ठीक है बाद में मैं किसी की अटेंडेंस माफ नहीं करूंगी मैम द लेक्चर इन यस बेटा देयर की मैम चेक कर लें अटेंडेंस लगी जी आपकी लग गई है मैम शायद लगी मैम पिक्चर कास्टिंग भी चेक कर लें